हेलो दोस्तों, कैसे हो सब भाई। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, सेम टू यू बोल देना कमेंट सेक्शन में। और भाई, उड़ती उड़ती खबर आई है कि एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो जल्दी से बता दो कि कौन कौन पास हुआ और कौन कौन फेल। भाई मैं तो यही बोलूंगा कि पास तो कोई भी हो जाता है, लेकिन असली जिगरा तो फेल होने के लिए चाहिए। भाई अवेंजर्स की लास्ट मूवी आई थी 2019 में, और उसके बाद 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी अवेंजर्स की मूवी नहीं आई है। तो मार्वल वालों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जल्दी से एक अवेंजर्स की मूवी रिलीज कर दो यार, हमारे पास भी कंटेंट खत्म हो गया भाई। क्या बनाए क्या ना बनाए समझ में ही नहीं आ रहा आजकल। तो आओ भाई और बहनों, बचे कुछ कंटेंट को समेट कर एक वीडियो बनाते हैं। तो भाई देखो, मूवीज में फनी सीन्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला सार्कास्टिक टाइप, दूसरा डबल मीनिंग टाइप, और तीसरा सीरियस मोमेंट टाइप। अगर नहीं समझे तो ये देखो एग्जांपल। हैंक पेम हमेशा कहते थे किसी स्टार्क पर भरोसा मत करना। तू कौन है बे? तुमने रॉकेट का हवाई जैकेट क्यों नहीं पहना है? दुखता है। दुखता है? हाँ, मेरी छाती छिल जाती है। चुन्नू मुन्नू दुखते हैं माचो बहन के। बस इतना ही कर सकते हो? पूछना जरूरी था नहीं? तो आज मैं तुम्हें इन तीनों कैटेगरीज के बेस्ट मोमेंट्स दिखाऊंगा। आओ चले गहराई में। हमारे पास टेस्ट रैक नहीं है, हमें घर ले जाने के लिए आपको टेस्ट रैक चाहिए, पर हमने उसे भेज दिया है पता नहीं कहां। ध्यान से सुनिए भाई, हम सुन रहे हैं। हमें दोबारा हाथ मत लगाना। तो फिर मेरा शिकार मत लेना। तुम नहीं जानते तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। नाटक कंपनी के साइड हीरो से? क्या तुम्हारी अम्मा जानती है कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो? नहीं भाई, अम्मा ने तो धोखे सुखाए थे, ये तो बिना बताए रस्सी पर से उठा के ले आया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। तुम कार्टून लोग कौन हो? जान बचाने का गिफ्ट है ये, चंद प्यारे प्यारे शब्द। ले ले ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। ने कहा था कि शक्ति मणि मोरैग से चुराया था। ये मोरैग कैसा बंदा? नहीं, मोरैग एक प्लैनेट है, बंदा तो क्विल था। यानी कि एक प्लैनेट मतलब अंतरिक्ष में? ओ ये देखो, अंतरिक्ष के नाम से ही बच्चा खुश हो गया। स्पेस में जाएगा मुन्ना, स्पेस में घूमी कर लेगा, अंकल तेरे को स्पेस ले जाएगा। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एंटमैन ही अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो कभी स्पेस में नहीं गया, मतलब अंकल ने अपना वादा पूरा नहीं करा। बात तो सही है। तुम्हें बताना ही पड़ेगा। जरूर कोई चाल है। नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ हाँ, जिसके हाथों में होगा ताज वही करेगा सब पर राज। बकवास है यार, जरूर कोई चाल। अगर ये बात है तो उठा कर दिखाओ, आ जाओ। सच में? ठीक है फिर, अब मजा। क्लिंट पिछले कुछ दिन तुम पर भारी थे, अगर उठा नहीं पाए तो शर्मिंदा मत होना। मैंने तुम्हें इसे हजारों बार उठाते हुए देखा है, पर अब भी समझ नहीं पाया कि तुम इसे उठाते कैसे हो। शायद तुम्हारे बस की बात नहीं। प्लीज तुम उठाकर दिखाओ। चुनौतियों से तो मैं आज तक नहीं भागा, जरा हटेंगे। तो फिर आ जाओ मैदान में। दिमाग का खेल है। दिमाग का? अगर मैंने इसे उठा लिया तो क्या मैं एस्गार्ड पर राज करूंगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कम से कम 100 रानियां रखूंगा मां कसम। 100 तो कम से कम है भाई, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट भी नहीं है, ये 100 से लेके लव यू 3000 तक भी हो सकता है। तू समझा? तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे उससे दूर भागना चाहिए या उसके साथ? उसके साथ भागो, या वैसे उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो इतना गलत था? कमबख्त ने कुछ किया ही तो नहीं, पर आगे बहुत कुछ हो सकता है।
अच्छा है? क्या क्या अच्छा? तुम और नताशा? नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं। कोई बात नहीं, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। बस वो किसी से अपने दिल की बात खुल के कहती नहीं है, पर तुम्हारे साथ वो काफी रिलैक्स नजर आती है। नहीं नताशा, उसे छेड़खानी करना अच्छा लगता है। मैंने उसकी छेड़खानी देखी है काफी करीब से, ये कुछ और है। देखो, मैं कुमारों का कैप्टन होने के नाते तुम्हें एक सलाह देता हूं, ज्यादा इंतजार मत करना। तुम दोनों खुशी के हकदार हो। करीब से तुम्हारा क्या मतलब? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? भाई बेचारे टोनी को तो यूं ही बदनाम कर रखा है, असली प्लेबॉय तो कैप्टन अमेरिका है। गिनती करते जाओ बस। क्या मतलब? मैं लोगों को छूकर उनके अंदर की बात बता सकती हूँ। दिमाग पढ़ सकती हो? नहीं, उससे इरादे पता चलते हैं। मैं जज्बात समझ सकती हूँ, एहसास। बताओ। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर भूख है? हाँ, भूख तो मुझे लगती रहती है, मुझे खाने का बहुत शौक है। रोमांटिक जिस्म की भूख? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्त, तुझे शहर से बाहर ले जाता हूँ। उस तरफ नहीं, उस तरफ नहीं। शांत हो जा ब्रूस, कितना फुटेज खाएगा। बाहर निकलो जा। माफ कर दे भाई। नहीं नहीं भाई, माफी वाफी का टाइम तो निकल गया, अब तो कोई अच्छी सी बिल्डिंग गिफ्ट करो भाई को। मुझे लगा था कि आधी दुनिया खत्म हो जाएगी तो बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी, लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है, और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते, ये कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ, हम तो हैं ही कुत्ते की दुम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हे पहलवान, देखो दिन ढल रहा है। बस दिन ढल रहा है, मैं तुम्हें और नहीं मारूंगा, कोई नहीं मारेगा, बस। दिन ढलने से पहले छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, चारों तरफ झाड़ू सी लगा दी भाई। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी मस्ती से आवाज के लिए मत सा कमेंट छोड़ के जाना। और एक बार फिर से सबको ईद मुबारक, और बता के जाना कि कौन कौन पास हुआ और कौन कौन फेल। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में। गुड बाय।